नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जे वी एन सी आई वी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा BFM का यूनिट नंबर 31 लेक्चर है और ये जो हमारा लेक्चर सीरीज है ये बिल्कुल नए सिलेबस, हमारा जो BFM का सिलेबस आया है उसको किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि दोस्तों एक एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन, एग्जॉस्टिव आपका, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों BFM में के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है बुक के एक हिस्से से पूछा जा रहा है, एक कोने से पूछा जा रहा है, तो आपको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है। तो यही इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको मैं एक एक लाइन को समझाऊं, उसके पीछे एग्जांपल लेके समझाऊं, उसका जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब करवाऊं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम लोग यूनिट नंबर 31 को, जो कि बेस्ड है RAROC एंड प्रॉफिट प्लानिंग के बेसिस में। चलिए सबसे पहला हम लोग पॉइंट समझते हैं, वो है फैक्टर अफेक्टिंग बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपिटल डिप्लॉयमेंट एंड इनकम स्ट्रेटजी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन टू बेसल नॉर्म्स। देखिए दोस्तों ये क्या है कि बेसल नॉर्म समझिए कि रूल्स है, ये बेसल नॉर्म क्या है, रूल्स है, राइट। बैंक के लिए नियम है ताकि वो इंश्योर करें कि उनके पास इनफ मनी हो, ठीक है, उनके पास इनफ मनी हो ताकि वो लॉस को कवर कर सकें, लॉस को कवर करने के लिए इनफ मनी हो, राइट। तो बेसल नॉर्म्स बेसिकली रूल्स होता है कि ताकि बैंक का रूल्स होता है ताकि वो इंश्योर करे कि उनके पास इनफ पैसा हो ताकि वो लॉस को कवर कर सकें। तो एक तरह का ये सेफ्टी नेट के तरह होता है, थिंक ऑफ इट लाइक अ सेफ्टी नेट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास $100 है और आपको लॉस के लिए प्रिपेयर होना है, आपको पॉसिबल लॉस के लिए क्या होना है, प्रिपेयर होना है, राइट। तो बेसल नॉर्म्स कहेगा कि आपको $20 जो है ना वो सेफ्टी कुशन के रूप में रखना पड़ेगा, $20 जो है सेफ्टी कुशन के रूप में रखना पड़ेगा। तो ये है हमारा बेसल नॉर्म्स। मैं आपको समझाया कि $100 आपके पास यदि है और आपको पॉसिबल लॉस के लिए प्रिपेयर होना है, तो ये कहा जाएगा कि आपको $20 जो है सेफ्टी कुशन के रूप में रखना है। तो बेसल नॉर्म्स वही है कि रूल्स है जो कि बैंक को इंश्योर करना है कि उनके पास इनफ पैसा हो ताकि वो लॉस को कवर कर सकें। ये पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट है हमारा एक्सप्लोरिंग इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ये, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बैंक को रिकॉग्नाइज करना है और कुछ पैसा पोटेंशियल लॉसेस के लिए अलग से रखना है। जैसे मान लीजिए कि बैंक जो है $1,000 जो है लेंड करती है, किसी को देती है, तो उसको $50 कम से कम अलग से रखना है यदि बॉरोवर स्ट्रगल कर रहा है रिपे करने में। तो ये एक समझिए कि एक तरह का बैकअप प्लान है और यही बैकअप प्लान को हम लोग बोलते हैं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, समझे। तो ये पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसे समझिए ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, बैंक के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी होगा जो कि अलग से रखा जाएगा इस बेसिस पर कि कितना रिस्की उसका एक्टिविटीज है। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, तो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड का मतलब ये होता है कि बैंक डिसाइड करती है कि वो कहाँ अपने पैसे को यूज करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास $100 है तो आप इन्वेस्ट करेंगे $50, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया स्टॉक में और रिमेनिंग $50 आपने इन्वेस्ट किया रियल इस्टेट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन बैंक ऐसा ही कुछ करती है, वो अलग अलग जगह पे ज़्यादा पैसा रखती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। तो इसे कहते हैं हम लोग डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें क्या है दोस्तों कि बैंक या तो पैसा सेव कर सकती है, कैसे सेव करेगी, एक तो होता है कि रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर यानी कि कटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो पैसा सेव करने का दो तरीका है, या तो वो कॉस्ट कटिंग करे या एक्सपेंडिचर रिड्यूस करे, और दूसरा तरीका है कि नया सर्विस ऑफर करे। तो एक दो तरीका है पैसा सेव करने का, कि कटिंग कॉस्ट या ऑफरिंग न्यू सर्विस। जैसे कोई बैंक है वो अपनी स्पेंडिंग को कम करना चाह रही है, अपने ब्रांच में कोई फैंसी डेकोरेशन है उसको हटा के, तो कॉस्ट का कम कर रही है, या कोई नया सर्विस लाए जैसे ऑनलाइन बैंकिंग ले आए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करे, इससे भी पैसा कमा सकती है। तो यही दो तरीका है। अब जरा बात करते हैं इंक्रीजिंग फी बेस्ड इनकम। यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग फी बेस्ड इनकम, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स्ट्रा पैसा कमा सकती है फी चार्ज करके एक्स्ट्रा सर्विस के लिए। तो यदि मान लीजिए कि बैंक कोई प्रीमियम अकाउंट ऑफर कर रही है जिसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जैसे स्पेशल डिस्काउंट है, फास्टर सर्विस है, तो वो वहाँ पे इन सभी अकाउंट में एक मंथली फी चार्ज कर सकती है इन सभी पर्क्स के लिए, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा कमा सकती है। तो यही कहा जा रहा है कि इस यूनिट में हम लोग कुछ एलिमेंट्स को देखेंगे जो कि बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को सेव करता है, जिसके अंदर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, कैपिटल मैनेजमेंट, फंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, ट्रेडिशनल अप्रोच टू एनहांस फाइनेंशियल, ये सभी चीज़ आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनालाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन इंडियन बैंक अ कंपैरेटिव स्टडी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिव्यूइंग द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द सेलेक्टेड इंडियन बैंक। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे कुछ बैंक जो भारत में है वो अच्छा कर रही हैं, वो कैसा कर रही हैं पैसा कमाने के टर्म्स में। जैसे मान लीजिए कि आप कंपेयर कर रहे हैं कितना पैसा अलग अलग पिज्जा शॉप कमा रहा है ताकि देख सके कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हम वही करने वाले हैं, हम कुछ भारतीय बैंकों का प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को रिव्यू करने वाले हैं। अब हम लोग एक सैंपल सिलेक्शन की बात करते हैं। सैंपल सिलेक्शन मतलब क्या हुआ कि हम दोनों तरह को देख रहे हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर बैंक को भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑन बैंक को भी देख रहे हैं और प्राइवेट ऑन बैंक को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यदि हम की मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि कितना पैसा एक बैंक ने उधार लिया है एज कम्पेयर टू कितना प्रॉफिट ये कमा रही है, मतलब बैंक का ऑन फंड और नेट प्रॉफिट के बीच का क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा की मैट्रिक्स है। तो वी आर चेकिंग हाउ मच अ बैंक ऑन कम्पेयर टू हाउ मच प्रॉफिट इट इज़ मेकिंग। मतलब एग्जांपल के तौर पर यदि मान लीजिए कि आपका एक लेमोनेड स्टैंड है, मान लीजिए, राइट, तो ये समझिए कि आप ऐसा चेक कर रहे हैं कि कितना पैसा आपने सेव किया एज कम्पेयर टू हाउ मच प्रॉफिट यू आर मेकिंग, कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं फ्रॉम सेलिंग लेमोनेड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिगेटिंग कोरिलेशन बिटवीन टोटल एसेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि हम चीज़ों की ओवरऑल वैल्यू, बैंक का जो स्टफ है उसकी ओवरऑल वैल्यू को देख रहे हैं। जैसे कि स्टफ एसेट में क्या आ सकता है, जैसे फिक्स एसेट में आपका बिल्डिंग आ जाएगा, ठीक है, कुछ कैश, शॉर्ट टर्म कैश आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो बैंक का बिल्डिंग है, ये जो बैंक का स्टफ है, उसका ओवरऑल वैल्यू इसके प्रॉफिट से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये सभी कुछ एक्सपेंसेस है बैंक के, उससे पहले जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे रिलेटेड है, इसे भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। चलिए, तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आपका एक टॉय स्टोर है, खिलौना का दुकान है मान लीजिए, तो आप चेक कर रहे हैं कि जो टोटल वैल्यू आपके टॉय का है वो आपके प्रॉफिट से किस तरह रिलेटेड है, ठीक है। तो यही की मैट्रिक्स है एग्जामिनेशन का। और इनसाइट एंड ट्रेंड्स की बात करें तो हम फिगर आउट करेंगे कि क्या हो रहा है। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, फिर हम लोग फिगर आउट करेंगे क्या हो रहा है राइट नाउ, अभी क्या हो रहा है रिगार्डिंग किस तरह से ये बैंक पैसा कमा रहे हैं उसके रिगार्डिंग अभी क्या हो रहा है। फिर लास्ट है हमारा ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड बैंक। अब मतलब कुछ आपको मैं सेलेक्टेड बैंक का एग्जाम्पल दूंगा, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ कंक्लूजन करेंगे। तो कहने का मतलब कि ये स्टडी का एम है कि हम समझ पाएं और कंपेयर कर पाएं किस तरह से अलग अलग तरह के बैंक भारत में परफॉर्म कर रहे हैं फाइनेंशियली, और उनके स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और रिलेशनशिप को समझ पाएं। चलिए अब बात करते हैं कि बैलेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द डुअल रोल ऑफ बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये एक पॉइंट समझाया जा रहा है कि कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव, हाँ, इसमें पहला पॉइंट है स्कोप ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। हाँ, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव क्या बताया जा रहा है कि बैंक एक कमर्शियल एंटिटी होती है, इसका प्राइमरी गोल होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे और इंश्योर करे कि रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जिसको बोलते हैं, ये भी इंश्योर करना इसका एम होता है, ये बैंक का ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी की बात करें तो ये जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी होते हैं ना, वो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे बहुत सारे पर्पजेज के लिए, जैसे कि इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कंजम्पशन के लिए और हाउसिंग के लिए। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी जो है ना, एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं, वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट और दे प्रोवाइड लोन फॉर वेरियस पर्पस, दोनों काम करते हैं, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो दीज आर द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। नेक्स्ट है हमारा ट्रस्टशिप एंड ड्यूटी। तो बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम करता है डिपॉजिटेड फंड के लिए, बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है कि वो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। तो ये बैंक का, देखिए अलग अलग तरह का रोल है बैंक का, वो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहला रोल क्या बताया कि कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, बैंक एक कॉमर्शियल एंटिटी है, समझे, इसका प्राइमरी गोल है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा। दूसरा मैं आपको समझाया कि बैंक एक तरह इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तीसरा मैंने आपको बताया बैंक ट्रस्टी की तरह काम करता है, जो भी डिपॉजिटेड फंड है उसके ट्रस्टी की तरह काम करता है, वो सेफगार्ड करता है डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को। ये सभी अलग अलग रोल है बैंक के, समझ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों बैलेंसिंग एक्ट की बात करें तो बैंक एक डुअल चैलेंज फेस करता है कि वो परस्यूट ऑफ इनबैलेंसिंग द परस्यूट ऑफ पावर फॉर ऑनर व्हाइल फुलफिलिंग देयर ट्रस्ट रिलेशनशिप। तो ये है हमारा पॉइंट। अब हम एक बात करते हैं स्कोप फॉर प्रॉफिट प्लानिंग।
देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक प्लान करती है कि कैसे वो पैसा कमाए, ठीक है, अपने एसेट को मैनेज कर कर, मतलब हाउ बैलेंस शीट मैनेजमेंट, यह लिखा है ना कि अपने एसेट को किस तरह से मैनेज करें और किस प्रकार से मेक पैसा कमाए, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट करके भी, और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होता है जैसे नॉन फंड बेस्ड इनकम होता है। जैसे आप एक लेमोनेड स्टैंड की बात कर रहे हैं तो लेमोनेड स्टैंड में जो ऑनर है, आप ही मान लीजिए ऑनर है इसके, तो आप प्लान करेंगे, क्या प्लान करेंगे, कितना लेमोनेड बेचना है, लेकिन ये भी प्लान करेंगे कितना उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, यही होगा ना, राइट। तो ये हमारा स्कोप ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। दूसरा पॉइंट है कि सोर्स ऑफ बैंक इनकम, इन बैंक इनकम का सोर्स कहाँ कहाँ से है, तो केवल लेंडिंग से ही नहीं है, लेंडिंग से तो है ही है, इसके अलावा दोस्तों जो फीस वो बैंक चार्ज कर रही है और फाइनेंशियल एसेट जो मैनेज कर रही है वहाँ से भी है। मतलब एक बैंक जो है पैसा कमाती है लोन से तो कमाती ही है, ठीक है, एक तो है इंटरेस्ट, लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे कमाती है बैंक पैसा, लेकिन इससे भी कमाती है कि जो सर्विसेज वो ऑफर कर रही है उसके लिए जो फी चार्ज कर रही है, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट इनकम कंपोजिशन। ऐसा क्या मतलब होता है कि बैंक पैसा कमाती है इंटरेस्ट से लोन पे और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके, तो वही कह रहा है कि जो इंटरेस्ट इनकम का कंपोजिशन है, एक तो है कि लेंडिंग वाला इंटरेस्ट हो गया और एक तो है कि सिक्योरिटी में, जैसे कोई बैंक मान लीजिए बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है, और आपको बॉन्ड का पता होगा कि बॉन्ड का जो है कूपन अमाउंट होता है जो कि हर ईयर जो है बैंक को मिलेगा, वही इंटरेस्ट जो भी आप कहते हैं, तो वहां से भी इंटरेस्ट अर्न करती है, राइट। तो ये सभी इंटरेस्ट इनकम का कंपोजिशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लायंस विद मैंडेटरी डिपॉजिट परसेंटेज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेटेड बाय स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को एक अपने सर्टेन परसेंटेज जो है अपने मनी का वो गवर्नमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट में रखना पड़ता है सेफ्टी पर्पस के लिए, राइट। तो ये पॉइंट है कंप्लायंस विद मैंडेटरी डिपॉजिट परसेंटेज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेटेड बाय SLR, यानी बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर पैसा गवर्नमेंट बैंक सिक्योरिटी में रखना पड़ता है सेफ्टी मेजर के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास $100 है, ठीक है, तो बैंक को $20 क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट बॉन्ड में ताकि इंश्योर करे कि वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। वही कहा जा रहा है कॉम्प्लायंस विद मैंडेटरी डिपॉजिट परसेंटेज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेटेड बाय SLR, और SLR रेगुलेट करती है, पता ही होगा आपको SLR क्या होता है, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। सो उसके लिए भी बैंक को कॉम्प्लायंस करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा रिस्क एंड यील्ड कंसिडरेशन, ये समझिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि एवन दो इन्वेस्टिंग इन सेफर ऑप्शन लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड इज लेस रिस्की द रिटर्न, हाँ ये बात समझिए, जब बैंक किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रही है तो उसका रिटर्न तो बहुत कम है, वो रिस्क तो कम है लेकिन रिटर्न भी कम है, राइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से जैसे आप सिंपल सी बात है कि आप यदि जितना बोलते हैं ना लेस रिस्क लेस रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न, वही वाली बात है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो वहाँ रिस्क कम है लेकिन वहाँ पे यील्ड भी कम है, रिटर्न भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेरिएशन इन इंटरेस्ट इनकम बिटवीन हाईली रेटेड एंड लोअर रेटेड कॉर्पोरेट डेब्ट। क्या मतलब हुआ कि जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं किसी ट्रस्टवर्दी कंपनी को लैंड करके वो अलग हो सकता है यदि हम किसी रिस्क की कंपनी को लैंड कर रहे हैं उससे ज्यादा। देखिए दो ऑप्शन है, एक तो हम किसी ट्रस्टवर्दी कंपनी को लैंड कर रहे हैं मतलब जिसपे हम पे विश्वास है, और एक है कि कुछ हम रिस्की कंपनी को लैंड कर रहे हैं, तो दोनों का जो रिटर्न होगा ना वो अलग अलग होगा, ठीक है, किसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि वेरिएशन इन इंटरेस्ट इनकम बिटवीन हाईली रेटेड एंड लोअर रेटेड कॉर्पोरेट डेब्ट। तो हाई रेटेड मतलब क्या हुआ, जिसका रेटिंग काफी हाई है मतलब जो ट्रस्टवर्दी है, और लो रेटेड मतलब क्या हुआ, जिसका रेटिंग काफी लो है मतलब कि वो रिस्की है, तो उसके इंटरेस्ट इनकम में वेरिएशन होता है, राइट। चलिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी वेल एस्टेब्लिश कंपनी को लैंड करेंगे तो वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन आप यदि नए लेस नोन कंपनी को लैंड करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा। इसीलिए कहा गया है ना कि इंटरेस्ट इनकम का वेरिएशन होता है, क्योंकि देखिए जो हमारे लो रेटेड कॉर्पोरेट डेब्ट कंपनी है वो रिस्की ज़्यादा है, और हमारा बेसिक फिलॉसफी क्या कहता है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली ये रिस्क के ट्रेड ऑफ क्या करेगी, कैसे रिस्क को ट्रेड ऑफ करेगी, ये आपको ऑफर करेगी मोर प्रॉफिट, समझे, यानी कि मोर इंटरेस्ट इनकम। सो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन इन दिस पार्टिकुलर स्लाइड। फ्रेंड आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं आपको एक एक स्टेटमेंट का एलाबोरेट करके मीनिंग समझा रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको आएंगे तो निश्चित रूप से आप उसका जवाब दे पाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा ऑप्टिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सबसे पहला है इसमें पॉइंट, बैंक मस्ट स्ट्रेटेजिकली बैलेंस इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड क्रेडिट पोर्टफोलियो। क्या मतलब हुआ कि बैंक को राइट मिक्स फाइंड करना है, बैंक हैव टू फाइंड द राइट मिक्स,
ठीक है, किस चीज़ का राइट मिक्स, सेफ और रिस्कियर इन्वेस्टमेंट का राइट मिक्स फाइंड करना है बैंक को, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। तो ये मिक्सर जो बात कर रहे हैं ना, कि ये मिक्सर किस चीज़ की है, बैलेंस किसको करना है, एक तो सेफ और रिस्की, एक सेफ भी रहना है और रिस्की भी रहना है, दोनों का एक मिक्सर कंबाइन करना है। मतलब मान लीजिए स्टॉक की बात करें, तो एक तो आप सबसे स्टेबल स्टॉक को लेंगे और दूसरे तरफ आप सबसे एक्साइटिंग स्टॉक को लेंगे। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसे मिक्सर होना चाहिए, स्टेबल स्टॉक भी होना चाहिए, एक्साइटिंग स्टॉक भी होना चाहिए, ताकि आप रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस कर सकें। देखिए सिंपल सी बात है, यदि हमारा स्टॉक स्टेबल रहेगा तो वहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, वहाँ पे हमें रिस्क कम हो रहा है, और यदि एक्साइटिंग स्टॉक होगा तो वहाँ रिवार्ड कम होगा। तो बेसिकली आपको रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस करना है, राइट, यही कहा जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट रिक्वायर अ जुडिशियस ब्लेंड कंसिडरिंग रिस्क एपेटाइट। क्या मतलब हुआ कि यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो खासकर बैंक के परस्पेक्टिव में हम बोल रहे हैं, तो बैंक को एक राइट मिक्सचर देखना होगा सेफ और रिस्की चॉइस का, इस बात पे बेस्ड कि कितना रिस्क वो लेने को तैयार है, हाउ मच रिस्क इज बैंक इज विलिंग टू टेक। मतलब ये ऐसा हुआ कि ये डिसाइड करना हो गया कि कितना पैसा हम लॉटरी टिकट, देखिए अब एक चीज बताइए कि लॉटरी टिकट का एग्जांपल लेते हैं, तो लॉटरी टिकट कैसा चीज है, रिस्की चीज है, कितना पैसा हम लॉटरी टिकट का खरीदें और कितना हम बैंक में सेव करें, इसके बीच में हमें डिसाइड करना है। तो आपको यदि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, तो एक ऐसा ब्लेंड लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ब्लेंड समझ रहे हैं, मिक्सचर, एक ऐसा राइट मिक्स होना चाहिए। यहाँ पे जैसे लॉटरी टिकट आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपका रिस्की चॉइस है, और यदि आप बैंक में पैसा सेव कर रहे हैं तो वहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो इसका मिक्सचर चाहिए, राइट। यही होता है ऑप्टिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल का सहारा लेता हूँ। देखिए एक एग्जांपल है, इमेजिन कीजिए कि आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है, और आप फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि इसको पैसे को सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको यूज करने का, ठीक है, तो वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास 1,000 रुपया है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 1,000 रुपया मैं ले रहा हूं, 1,000 रुपया बैंक ने इन्वेस्ट किया या वो लैंड किया, तो अब मैं आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा और आपको मैं समझाऊंगा कि सबसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाए। चलिए आइए हम लोग एग्जांपल को देखते हैं, लेट्स कम टू द न्यू टेबल। अब इस टेबल को दोस्तों आपके बुक से लिया गया है, इसको समझिए, चार अलग अलग सिनेरियो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कहां कहां बैंक ने इन्वेस्ट किया, पहला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जिसका यील्ड था 6%, रिस्क वेट था 0%, दूसरा इसने ट्रिपल ए रेटेड कस्टमर को लैंड किया जिसका यील्ड था 8%, रिस्क वेट था 20%, तीसरा इसने डबल ए रेटेड कस्टमर को लैंड किया जिसका यील्ड था 10%, रिस्क वेट था 50%, और चौथा इसने ए रेटेड कस्टमर को लैंड किया इसका यील्ड था 12%, रिस्क वेट था 100%। एक चीज आप नोटिस कीजिए कि एक तरफ हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहां पे मैं यील्ड लिख रहा हूं और यहां पे मैं रिस्क वेट लिख रहा हूं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले में यील्ड कितना है दोस्तों, 6% है, और रिस्क वेट कितना है, 0%। यदि ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है तो उसमें यील्ड कितना है, 8% है, और रिस्क वेट कितना है, 20% है। यदि डबल ए रेटेड कस्टमर है उसका यील्ड कितना है, 10%, और 50% का रिस्क वेट है। सिंगल ए है तो यील्ड है 12%, और 100% का यहां पे क्या है, रिस्क वेट है। आप एक चीज यहां नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, राइट, मतलब जैसे जैसे ये कंपनी का रेटिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे यील्ड बढ़ रहा है और वैसे वैसे रिस्क वेट भी बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चार जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है, और जिस प्रकार से यदि हमारा कंपनी का रेटिंग घट रहा है, यहाँ कंपनी का रेटिंग घट रहा है ना दोस्तों, पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो सबसे ज़्यादा सेफ है, उसके बाद ट्रिपल ए उससे कम सेफ, डबल ए उससे कम सेफ, और ए जो है मोस्ट रिस्कियर है, तो रिस्की की तरफ जाएंगे तो यील्ड तो बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल सा रूल है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर रिवार्ड। तो रिवार्ड तो मिल रहा है ना आपको, 12% का रिवार्ड मिल रहा है, यहाँ 10% का रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन रिस्क वेट भी बढ़ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कोई रिस्की नहीं है, यहाँ रिस्क 20% है, यहाँ 50% है, यहाँ देखिए आपको पता है ना, रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग रिस्क वेट का यूज करते हैं, ये बात समझ में आई। चलिए तो आपको मैंने ये समझाया कि चार जगह जहाँ पे ये कंपनी बैंक इन्वेस्ट कर रही है। अब दोस्तों देखिए पहले सिनेरियो में बैंक ने क्या किया कि पूरा का पूरा 1,000 रुपया को ना इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दिया। दूसरे केस में बैंक ने क्या किया कि इस 1,000 रुपये को
₹400 को डाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी में और ₹600 को डाला ट्रिपल रेटेड में। तीसरे केस में बैंक ने क्या किया कि ₹300 गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ₹300 ट्रिपल रेटेड कस्टमर को और ₹400 डबल रेटेड कस्टमर को। और चौथे केस में बैंक ने क्या किया कि ₹300 गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ₹300 ट्रिपल रेटेड कस्टमर को, ₹200 डबल रेटेड कस्टमर को और ₹200 सिंगल रेटेड कस्टमर को। अब आपको बताइए कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है बैंक का, ₹1000 है, चारों केस में ₹1000 है। लेकिन अंतर कहां पे है कि कौन से पोर्टफोलियो में बैंक इन्वेस्ट कर रही है, ये डिफर हो रहा है। पहले केस में बैंक केवल गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है, दूसरे केस में वो गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रिपल ए में इन्वेस्ट कर रही है, तीसरे केस में गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रिपल ए डबल ए में इन्वेस्ट कर रही है और चौथे केस में गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रिपल ए डबल ए और सिंगल ए सभी में इन्वेस्ट कर रही है। तो मतलब कि पोर्टफोलियो यहां देखिए मिक्सचर अलग अलग है। अब देखिए अब हम इसे आप हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, पिक्चर क्लियर है, अब इसको एनालाइज किया जाएगा। अब दोस्तों बताइए, सबसे पहले यील्ड निकाले ना, यील्ड कैसे निकालेंगे, पहले कि इसका यील्ड निकाल के बताइएगा आप कितना होगा। सिंपल सी बात है, कितना पैसा है, ₹1000 है और यह यील्ड कितना है, 6% है। दोस्तों 6% कितना, 1000 का 6% कितना होता है, 60 ही तो होता है। तो पहले कि इसमें कितना यील्ड मिलेगा, 60 मिलेगा। दोस्तों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको केस स्टडी भी पूछा जाएगा। यदि हम सेकेंड केस का यील्ड निकालें तो ₹400 इसने इन्वेस्ट किया और 6% इसका यील्ड है, ₹600 इसने इन्वेस्ट किया, 8% इसका यील्ड है। तो अल्टीमेटली 600 का 6% कितना होगा, 24 होगा। 600 का 8% कितना होगा, 48 होगा। और 24 में 47 कितना होता है बताइए, 72 होता है। तो अल्टीमेटली यील्ड कितना मिला, 72 मिला कि नहीं मिला, मिला। चलिए थर्ड केस पे आते हैं, ₹300 का यील्ड कितना है, 6%। ₹300 का यील्ड कितना है, 8%। ₹400 का यील्ड कितना है, 10%। तो ये कितना हो जाएगा, 6×18, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 40। जोड़िए सबको, कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 82 आएगा, कितना आएगा, 82 आएगा। समझे, लास्ट केस को देखिए, 300 का आप निकाल लीजिए 6%, ये 6% यहाँ से मैं ले रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, यील्ड आपको लिखा हुआ है। 300 का 8%, 200 का 10% और 200 का दोस्तों 12%। कितना हो जाएगा, 18, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 24। सबको जोड़िए तो मिल जाएगा आपको 86। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ कैलकुलेशन में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर केस स्टडी पूछा ही जाएगा एग्जामिनेशन में। तो आपने यील्ड निकाल, देखिए पहला पूछेगा यील्ड निकालो, दूसरा पूछेगा रिस्क वेट निकालो, इस प्रकार सवाल पूछा जाएगा। तो आपने यील्ड क्या देख रहे हैं, पहले केस में यील्ड है 60 का, दूसरे केस में यील्ड है 72, तीसरे केस में यील्ड है 82 और चौथे केस में यील्ड है 86। समझ रहे हैं बात को, तो ये यील्ड का आपका अमाउंट है। अच्छा, अब यदि यील्ड परसेंटेज निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, ओवरऑल यील्ड परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यील्ड को लिख दीजिए नोमिनेटर में और इन्वेस्टमेंट को लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। तो 60,000 का कितना परसेंट है, 6% ही तो है। चलिए 72,000 का कितना परसेंट है, 7.2% है। 82,000 का 1000 का कितना परसेंट, 8.20% है। 86,000 का कितना परसेंट, 8.60% है। तो आपने यील्ड परसेंटेज भी निकाल लिया। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे जैसे 1 से लेकर 4 की तरफ जा रहे हैं तो यील्ड बढ़ रहा है। अब आप बता सकते हैं क्यों यील्ड बढ़ रहा है, यील्ड बढ़ने का एक ही कारण है कि फोर वाला जो पोर्टफोलियो है ना उसमें रिस्क ज्यादा है और आपको बेसिक फंडा पता है कि मोर रिस्क मोर रिवार्ड। चलिए आपने यील्ड तो निकाल लिया, अब आप रिस्क वेट भी बता दीजिए। रिस्क वेट कैसे बताइएगा, सिंपल सी बात है, पहला केस का रिस्क वेट बता सकते हैं, 0% × 0% कर लीजिए तो 0 ही तो रहेगा। अच्छा, दूसरा केस में इसका रिस्क वेट निकालिएगा ना, इसको 0% ले लीजिए और 600 का कितना हो जाएगा, 20%। तो 600 का 20% कितना होता है, 120। तो अल्टीमेटली 0 + 120 ही रहेगा। समझ में आ रहा है कैसे रिस्क वेट हम निकाल रहे हैं। तीसरा केस का रिस्क वेट कैसे निकालिएगा, 300 का 0%, 300 पे कितना का रिस्क वेट है, 20% का है। 400 पे कितना का रिस्क वेट है, 50% का है। तो ये तो 0 रह जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कितना, 200। तो 260 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और चौथा केस में रिस्क वेट कितना होगा, 300 का 0%, 300 का 20%, 200 का 50% और 200 का 100%। यानी ये 0 हो गया, ये 60 हो गया, ये 100 हो गया और ये हमारा 200 हो गया। सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 360। तो देखिए इस पे केस स्टडी जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, समझने का प्रयास कीजिए और किस प्रकार से केस स्टडी को अटेम्प्ट करना ये समझिए। तो दोस्तों आपने रिस्क वेट निकाल लिया ना सब केस का, अब चलिए आपने यील्ड निकाल लिया, आपने रिस्क निकाल लिया, अब सवाल क्या उठता है, आपको बेसिक सा फंडा पता है ना दोस्तों CRAR का। CRAR क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल रिक्वायर्ड अपॉन रिस्क वेट। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो रिस्क है, बैंक जो रिस्क से एक्सपोज्ड है, क्या आप देख रहे हैं जैसे जैसे 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो रिस्क बढ़ रहा है। क्यों रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक जो है देखिए ना ए वाली रेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करी है, तो रिस्क तो बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ना ही चाहिए। अब आपसे यदि पूछा जाए कि इस रिस्क के लिए बैंक क्या करेगी, कुछ तो प्रोविजनिंग करेगी ना, कुछ तो कैपिटल रखेगी ना अपने पास, कितना रखेगी तो निकाल के बताइए।
मान लेते हैं कि 8% का हमारा CRAR है, तो 8% का यदि CRAR है तो 120 का 8% कितना हो जाएगा 9.6, 260 का 8% कितना हो जाएगा 20.8, 360 का 8% कितना हो जाएगा 28.8। लेकिन हमारा जो RBI है इंडियन सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो 11.50 होता है, मतलब 120 का 11.50% निकाल लीजिए तो मिलेगा आपको 13.80। दूसरा केस में देखिए 29.90 मिलेगा, तीसरा केस में मिलेगा आपको 41.40। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ रहा है हमारा तो हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रहा है, राइट। सिक्स पॉइंट इज मिटिगेटिंग रिस्क एंड इनहांसिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन बैंक। पहला पॉइंट है रिस्क डायनेमिक्स इन लैंडिंग, दैट मीन्स लैंडिंग टू लो रेटेड कस्टमर एस्केलेट रिस्क ऑब्वियसली। यदि बैंक किसी ऐसे कस्टमर को पैसा देगी जिसको रिपे करने में ट्रबल होगा तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चांस को बढ़ा देता है, तो इस रिस्क को हैंडल करने के लिए बैंक को कुछ पैसा अलग से रखना पड़ता है। वही कह रहा है ना, नेट सेटिंग इंक्रीज कैपिटल, मतलब आप लो रेटेड कस्टमर को लैंड कर रहे हैं तो रिस्क बढ़ेगा और आपको इंक्रीज कैपिटल अलग से कैपिटल रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा साइमल्टेनियसली हाई रिस्क कैन लीड टू इम्प्रूव यील्ड ऑन एसेट। तो बताया जा रहा है कि यदि बैंक ज़्यादा रिस्क लेती है तो उसका यील्ड भी बढ़ता है, रिटर्न भी बढ़ता है, जैसे वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप एक रिस्क है आपका, एक आपका यील्ड है, ठीक है, और एक आपका कैपिटल है। तो कैसा रिलेशन है आप देख सकते हैं ना कि जैसे जैसे हमारा रिस्क बढ़ रहा है, राइट, तो वैसे वैसे हमारा यील्ड बढ़ रहा है, वैसे वैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्टली रिलेशनशिप है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम ऑप्टिमाइज करें इन्वेस्टमेंट को और लैंडिंग पोर्टफोलियो को, अगले स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक स्ट्राइव टू अचीव ऑप्टिमल रिटर्न बाय स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन रिस्क एंड कैपिटल लेवल। मतलब बैंक का एम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, स्मार्टली डिसाइड करे कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसे पैसा देना है, दोनों रिस्क को भी कंसिडर करे और जितना पैसा है उसे भी कंसिडर करे। जैसे कोई बास्केटबॉल का कोच होता है ना, वो राइट प्लेयर को चूज करता है गेम के लिए, उसी तरह बैंक भी स्ट्रेटेजिकली सेलेक्ट करे कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसे लैंड करना है अच्छे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। NPA का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी पे? तो दोस्तों यदि कस्टमर अपने लोन को पे बैक नहीं कर पा रहे हैं तो NPA होगा, यही होता है ना NPA, तो बैंक पैसा लूज कर देती है, खासकर जो इंटरेस्ट वो एक्सपेक्ट कर रही थी अर्न करेगी अब उसे नहीं मिलता है। तो NPA जो है इंटरेस्ट इनकम को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, यील्ड को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त को पैसा दिया जो कि आपको वापस नहीं करेगा, तो आप तो इनिशियल अमाउंट तो लूज किए ही किए, आप साथ साथ जो इंटरेस्ट था वो भी लूज कर दिए। वही कहा जा रहा है कि NPA इंटरेस्ट इनकम को भी इफेक्ट करता है, यील्ड को घटा देता है, ये NPA का इंपैक्ट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंडर बेसल 2-3 रेगुलेशन NPA इनकर हायर रिस्क वेटेज कंपेलिंग बैंक टू मेंटेन एलिवेटेड कैपिटल लेवल। मतलब क्या हुआ कि जो रेगुलेशंस हैं बेसल 2 और 3 के, इसमें कहा गया है कि बैंक को कैपिटल अलग से रखना पड़ेगा यदि उसके पास ज़्यादा रिस्क है कि कस्टमर लोन को वापस नहीं पे कर पाएगा। मतलब यदि रिस्क ज़्यादा है NPA होने का, मतलब कस्टमर लोन को पे नहीं कर पाएगा, तो उस केस में बैंक को अलग से एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये बेसल 2-3 के रेगुलेशन में कहा गया है, ठीक है। तो मतलब जिसका हाई रिस्क वेट है उसके लिए आपको एलिवेटेड कैपिटल लेवल को मेंटेन करना होगा। चलिए तो ये चीज़ है हमारा NPA का क्या इफेक्ट पता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। एक तो आपने देखा NPA के कारण एलिवेटेड कैपिटल लेवल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और दूसरा आपने देखा कि इंटरेस्ट इनकम को ये एडवर्सली इंपैक्ट करता है। तो अल्टीमेटली दो इसका इफेक्ट है NPA का, इनकम को कम करना, इंटरेस्ट इनकम कम करना, और कैपिटल लेवल को बढ़ाना। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डुअल इंपैक्ट ऑफ NPA। तो NPA का दो इंपैक्ट क्या है कि जब भी कोई कस्टमर लोन को पे नहीं कर पाता तो बैंक दो प्रॉब्लम फेस करती है, एक तो उसका इनकम कम हो जाता है, कम पैसा उसे आता है, और दूसरा बात है कि जो पैसा उसे चाहिए लॉस को कवर करने के लिए वो बढ़ जाता है, यानी एडिशनल कैपिटल। वही मैंने आपको समझाया ना पिछले स्लाइड में, NPA का आपको दो इफेक्ट समझाया। पहला क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम जो था वो कम हो जाता है, दूसरा क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है। वही चीज यहां बताया जा रहा है कि इनकम कम हो गया और कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। फिर यही डुअल इफेक्ट है हमारा NPA का। तो फिर बताया जा रहा है कि अब इनकम यदि कम है और कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होगा बैंक का वो सफर ही तो करेगा। वही कहा जा रहा है ये जो डुअल इफेक्ट है ना वो फर्दर डिटोरेट कर देता है ROC को और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को। तो इसीलिए दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक काम करे रिस्क को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लैंडिंग के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, और जब NPA वाला केस आ जाए तो ये डबल चैलेंज क्रिएट करेगा, इनकम को भी अफेक्ट करेगा और एडिशनल फंड की नीड को भी बढ़ाएगा।
तो इसीलिए इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिफाइंग इनकम स्ट्रीम, द रोल ऑफ फी बेस्ड एक्टिविटीज इन बैंकिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आया इसमें ट्रेडिशनल फी बेस्ड सर्विस। तो इसमें क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि बैंक पैसा कमाती है, लोन से तो कमाती है पैसा, लेकिन उसके अलावा दोस्तों वो फी भी चार्ज करती है किस किस चीज़ में, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। जैसे मान लीजिए रेमिटेंस हो गया, यानी पैसा भेजना हो गया, फिर हम यदि सेफ कस्टडी यानी वैल्यूएबल चीज़ों को सेफ रखें, गारंटी इशू करना, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल, तो ये सभी चीज़ें दोस्तों ये तो हमारी कन्वेंशनल सर्विस हैं, राइट। तो ये सभी सिग्निफिकेंट सोर्स होते हैं हमारे इनकम के, तो इसे कहते हैं ट्रेडिशनल फी बेस्ड सर्विस, फी बेस्ड सर्विस। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। क्या बताया जा रहा है कि जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं इसने क्या किया है कि कुछ ट्रेडिशनल सर्विस को कम पॉपुलर बनाया है। जैसे कि आप पैसा भेजते थे इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, आप डिमांड ड्राफ्ट से भी नहीं भेजा जाता, आप कैसे भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण क्या हुआ, कुछ सर्विस का डिमांड कम हो गया, जैसे डिमांड ड्राफ्ट का, रेमिटेंस का, बिल हैंडलिंग का। अब नया सर्विस आ गया डिपॉजिटरी सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, ये सभी नए तरह के सर्विस आ चुके हैं, राइट। टेक्नोलॉजी ने नया तरीका लाया है चीज़ों को करने का, जैसे इन्वेस्टमेंट को ऑनलाइन मैनेज करने का, चीज़ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स थ्रू इंटरनेट एक्सेट्रा। यदि हम बात करें फी इनकम बूस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ज़्यादा पैसा कमाती है नया और इनोवेटिव सर्विस ऑफर करके, जिसके लिए लोग तैयार है पैसा पे करने के लिए। यदि मान लीजिए कि बैंक एक नया और कन्वीनियंट ऑनलाइन सर्विस को इंट्रोड्यूस करती है तो वो उसके लिए फ़ी तो चार्ज करेगी ही करेगी, इससे क्या होगा कि उसका ओवरऑल इनकम क्या होगा, बूस्ट अप होगा। फिर कहा जा रहा है कि न्यू सर्विस मे कम विथ हायर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब इनमें से कुछ नया और इम्प्रूव्ड सर्विस जो है ना उसमें कस्टमर को हायर अमाउंट ऑफ मनी रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में। जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रीमियम ऑनलाइन बैंकिंग फीचर को एक्सेस करना चाहते हैं, कैसे फीचर को, प्रीमियम ऑनलाइन बैंकिंग फीचर को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सेस टू अ प्रीमियम ऑनलाइन बैंकिंग फीचर, तो बैंक आपको कहेगा कि एक हायर मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करो अपने अकाउंट में, राइट। तो वही कहा जा रहा है कि नया सर्विस तो आएगा लेकिन उसमें हायर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन इनटू फाइनेंशियल सुपरमार्केट। क्या मतलब हुआ कि बैंक अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को यूज करती है ताकि वो एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ऑफर करे, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गया, राइट। तो ये पॉइंट समझाया जा रहा है कि बैंक लिवरेज देयर एस्टैब्लिश नेटवर्क टू क्रॉस सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड, मतलब अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को यूज करना ताकि वो एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ऑफर कर सके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो बैंक आपको सजेस्ट करेगी कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो उस अकाउंट से, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। यही होता है अपने एस्टैब्लिश नेटवर्क को लिवरेज करना। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन और इनटू फाइनेंशियल सुपरमार्केट फैसिलिटी इंक्रीज फी बेस इनकम, मतलब कि हम वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ऑफर करके बैंक क्या करती है कि वो वन स्टॉप शॉप हो जाती है, वो फी अर्न करती है बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट से। जैसे आप ऐसे समझिए एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट है जहां पे आप सभी चीज ले सकते हैं, बैंकिंग सर्विस से लेकर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट तक, सभी कुछ एक जगह पे, ठीक है। यही होता है डाइवर्सिफिकेशन इनटू फाइनेंशियल सुपरमार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेशनल रिस्क कंसिडरेशन। क्या मतलब हुआ कि जब बैंक नया सर्विस ऑफर करती है तो उसे केयरफुल रहना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इन सभी सर्विस में, ये कि किस तरह की सर्विस को ऑपरेट किया जाए और मैनेज किया जाए। कंसिडरेशन की बात करें तो बैंक मस्ट बी माइंडफुल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विस एंड प्रोडक्ट। तो जब भी कोई बैंक नया सर्विस को ऑफर करती है तो उसे केयरफुल रहना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इन सभी सर्विसेज में, उसके ऑपरेशन में, उसके मैनेजमेंट में। जैसे मान लीजिए कि बैंक एक नया ऑनलाइन बैंकिंग फीचर को इंट्रोड्यूस किया तो उसको इंश्योर करना है कि वो स्मूथली काम करे बिना किसी टेक्निकल ग्लिचेस का या सिक्योरिटी इशू का। नेक्स्ट हमारा प्रूडेंट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू नेविगेट पोटेंशियल चैलेंज एंड अनसर्टेनिटी, मतलब स्मार्ट और केयरफुल मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें, किसी भी अनसर्टेनिटीज को हैंडल कर सकें जो कि नए सर्विस के इंट्रोडक्शन के साथ आता है। जैसे कि अच्छा कप्तान जो है जो कि एक शिप को स्टीयर कर रहा है रफ वाटर से, उसी प्रकार से बैंक को प्रूडेंट मैनेजमेंट चाहिए ताकि वो चैलेंजेस को नेविगेट करे, अनसर्टेनिटीज को नेविगेट करे फाइनेंशियल वर्ल्ड में। नेक्स्ट हमारा नेविगेटिंग ट्रेजरी इनकम मैनेजिंग रिस्क इन बैंकिंग एक्टिविटीज। पहला पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेजरी इनकम। ट्रेजरी इनकम का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसमें पहला पॉइंट है
दोस्तों कि जो हमारा बैंक एक अपने पैसे का सिग्निफिकेंट हिस्सा ट्रेड करती है अलग अलग फाइनेंशियल चीज़ों में, जैसे स्टॉक, करेंसी, दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो बैंक को समझिए कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जो कि स्टॉक खरीदती है बेचती है, करेंसीज खरीदती है बेचती है, या दूसरा फाइनेंशियल आइटम को खरीदती है बेचती है ताकि वो पैसा कमा सके। वही कहा जा रहा है ये ट्रेजरी इनकम भी पार्ट होता है, ये इनकम कंपोनेंट का पिवोटल पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटीज़ में, फॉरेक्स में, इक्विटीज़ में, बुलंस में या डेरिवेटिव में इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेकुलेटिव नेचर विथ कंट्रोल। क्या मतलब हुआ कि पहला है ट्रेजरी इनकम इज प्रीडोमिनेंटली अ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी अंडरटेकन बाय बैंक, मतलब बैंक रिस्क लेती है जब वो ट्रेड करती है पैसा बनाने के लिए। तो समझिए कि एक एजुकेटेड गेस हुआ कि कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है वैल्यू में ग्रो करेगा। यदि आपने प्रेडिक्ट किया कि गोल्ड का प्राइस जो है बढ़ेगा और इसलिए आप खरीद लेते हैं कुछ गोल्ड को, तो एक तरह का यही है कि यही काम बैंक भी करती है अपने ट्रेजरी एक्टिविटी में। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेजरी इनकम जो है एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है जो कि बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंजेंट इंटरनल कंट्रोल एंड रेगुलेटरी मेजर आर इन प्लेस टू मैनेज एंड मोनिटर दिस एक्टिविटी, मतलब ये श्योर करना कि बैंक ज़्यादा रिस्क ना ले, उसके पास एक स्ट्रिक्ट रूल होता है, उसके पास एक एक्सटर्नल ओवरसाइट होता है ताकि वो अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे। जैसे कि हमारे गेम में एक रेफरी होते हैं ना, वो श्योर करते हैं कि सारे के सारे प्लेयर रूल्स को फॉलो करें, उसी प्रकार बैंक के पास रूल्स है, रेगुलेशन है ताकि वो इंश्योर कर सकें कि उनका फेयर और सेफ ट्रेडिंग हो। इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रिंजेंट इंटरनल कंट्रोल एंड रेगुलेटरी मेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट मेजर। पहला पॉइंट है बैंक इंप्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेजर्स इंक्लूडिंग कैप्स ऑन ओपन पोजीशन, मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन, इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन वैल्यू एट रिस्क एनालिसिस, मतलब बैंक के पास स्ट्रेटजीज होता है कि वो लिमिट लगा सके कितना रिस्क उसके पास है, कितना रिस्क ले सकती है, रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को चेक करे और ज़्यादा पैसा ऐड करे यदि चीज़ें रिस्की हो जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक गेम खेल रहे हैं जहाँ पे आप एक लिमिट सेट करते हैं कितना पैसा आप लूज कर सकते हैं, आप अपने स्कोर को रेगुलरली चेक करते हैं, आप ज़्यादा प्लेयर लाते हैं यदि गेम टफ हो जाता है, तो बैंक भी सेम काम करती है रिस्क मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। यदि हम बात करें पोटेंशियल फॉर लार्ज इनकम एंड लॉसेस, तो बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है ट्रेजरी में वो सब्सटेंशियल इनकम यील्ड करेगा बैंक के लिए, मतलब जब बैंक अच्छा बेट्स लगाती है अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी में तो बहुत पैसा कमाती है। जैसा कि कुछ बैंक देखा गया है भारत में वो सिग्निफिकेंट प्रॉफिट रिसेंटली कमाई है। तो जैसे मान लीजिए कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अपने वैल्यू में स्काई रॉकेट हो जाए तो आप प्रॉफिट कमाते हैं, उसी तरह बैंक भी अच्छा प्रॉफिट कमाती है जब उनका ट्रेडिंग एक्टिविटी अच्छा चलता है। लेकिन इनएडिक्वेट कैपिटलाइजेशन पोजेज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। क्या मतलब हुआ कि यदि बैंक के पास इनफ पैसा नहीं है ताकि अपने पोटेंशियल लॉस को कवर कर सके तो वहाँ पे वो ट्रबल में आ सकता है, खासकर तब यदि उसका रिस्की ट्रेड अच्छे से नहीं जाए। जैसे मान लीजिए कि आप गैम्बल करते हैं बहुत ज़्यादा पैसा किसी रिस्की बेट पे और हार जाते हैं, तो एक तरह का प्रॉब्लम है ये। उसी तरह बैंक को ये श्योर करना है कि उसके पास इनफ मनी हो ताकि वो लॉसेस को कवर कर सके। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे केसेस हो चुके हैं पास्ट में जहाँ पे बैंक ने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र किए हैं, कभी कभी बैंक तो कोलैप्स भी कर गई है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया था अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो यही पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी विद इन वन फाइनेंशियल मीन टू अवॉइड सीनियर रिग्रेशन, मतलब कि आप यदि बिग प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो बैंक को केयरफुल रहना चाहिए कि वो ज़्यादा रिस्क ना ले जिसके बियॉन्ड जितना वो फाइनेंशियली हैंडल कर सके उसे बियॉन्ड हैंडल नहीं। तो कहने का मतलब समराइज करें फैक्ट को, तो ट्रेजरी इनकम एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है बैंक के मनी मेकिंग एक्टिविटीज़ का ट्रेडिंग के माध्यम से, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्क जरूर आती है इससे। बैंक कंट्रोल, रेगुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट इन सभी को यूज़ करते हैं ताकि वो लार्ज प्रॉफिट के पोटेंशियल को बैलेंस कर सके और लॉस के नीड को अवॉइड कर सके, ठीक है। अपने हिस्टोरिकल इंसिडेंट से सीखना पड़ेगा बैंक को ताकि वो अपने फाइनेंशियल मीन को वाइजली यूज़ कर सके। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग द बुक मैनेजिंग एक्सपेंस इन बैंक ऑपरेशन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, यदि हम की एक्सपेंसेस इन बैंकिंग की बात करें तो दो मेजर एक्सपेंस होते हैं। पहला होता है द मनी दे पे इन इंटरेस्ट, जिसे हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ रनिंग देयर एवरीडे ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डिपॉजिट पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन। क्या मतलब हुआ कि बैंक को पैसा कहाँ से मिलता है, बैंक को पैसा मिलता है कस्टमर से,
राइट, बैंक को पैसा मिलता है कस्टमर से अलग अलग तरह के अकाउंट में। इसके अंदर कुछ अकाउंट आते हैं जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जहाँ से करंट डिपॉजिट हो गया, ठीक है। कुछ अकाउंट होगा सेविंग डिपॉजिट होता है, कुछ अकाउंट होता है टर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ डीरेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट भी होता है। तो ये सभी डिपॉजिट पोर्टफोलियो का ब्रेकडाउन है, अलग अलग तरह के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन की यदि हम बात करें तो 2011 से पहले क्या होता था कि जो इंटरेस्ट आप अपने सेविंग अकाउंट पर अर्न करते थे वो गवर्नमेंट सेट करती थी, लेकिन आज के समय में बैंक डिसाइड करती है कितना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो ये डीरेगुलेशन कब हुआ था, अक्टूबर 25 2011 में, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि सेविंग डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट था वो बैंक डिसाइड करती थी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लेकिन उसका डीरेगुलेशन हो गया, अब बैंक डिसाइड करती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस, मतलब बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है आपके सेविंग पे हर एक दिन, लेकिन रेट रिलेटिवली लो होता है एज कम्पेयर टू अदर अकाउंट। नेक्स्ट है फोकस ऑन लो कॉस्ट डिपॉजिट, मतलब बैंक ज़्यादा पैसा चाहती है अकाउंट में जो कि जिसमें उनको इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, जैसे करंट हुआ या सेविंग अकाउंट हुआ। इससे क्या होता है कि वो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट पे सेव कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पेशलाइज एफर्ट अंडर द कासा कैटेगरी हेल्प इन मोबिलाइजिंग डिपॉजिट एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या मतलब हुआ कि बैंक हार्ड वर्क करती है ताकि ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि वो अकाउंट को यूज़ करें जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, लेकिन बैंक को हेल्प करे पैसे को सेव करने में, जैसे कि करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में। इसको लो कॉस्ट डिपॉजिट बोलते हैं। दूसरा है मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट आपको फिक्स टर्म डिपॉजिट पे मिलता है वो इससे इन्फ्लुएंस होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, यानी मार्केट फोर्स से इन्फ्लुएंस होता है और किस प्रकार से दूसरी बैंक जो है अपने रेट को सेट कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेटिव डायनेमिक्स। तो देखिए टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट को दो चीज़ डिसाइड करती है, पहला मार्केट फोर्स और दूसरा कॉम्पिटेटिव डायनेमिक्स। मतलब यदि लोग ईगर हैं कि वो पैसा लेंड करने के लिए ईगर हैं तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगी ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारा बैंक स्ट्रेटजिकली सेट इंटरेस्ट रेट अलाइनिंग देम विद मार्केट कंडीशन एंड अदर कॉम्पिटिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये डिसाइड करना हुआ कि बैंक केयरफुली डिसाइड करती है कितना इंटरेस्ट पे करना है फिक्स डिपॉजिट पे, कंसिडर करती है कि बाकी बैंक क्या कर रही है, कितना दे रही है, ओवरऑल फाइनेंशियल क्लाइमेट कैसा है। मतलब ये डिसाइड करना हुआ कितना इंटरेस्ट हम ऑफर करेंगे सेविंग अकाउंट पे, ठीक है। दूसरा है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन रेट, मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे वो इन्फ्लुएंस हो सकता है कि दूसरे फाइनेंशियल ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट या प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ऑन टर्म डिपॉजिट आर आल्सो इन्फ्लुएंस बाय रेट्स ऑन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक डिवेंचर, मतलब बाकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या रेट चल रहा है वो भी हमारे टर्म डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक अपने एक्सपेंस को मैनेज करती है अपने डिपॉजिट अकाउंट पे फोकस करके, लो कॉस्ट डिपॉजिट को इनकरेज करती है और एडजस्ट करती है इंटरेस्ट रेट को मार्केट कंडीशन के बेसिस पे और कॉम्पिटिशन के बेसिस पे। मतलब एक राइट मिक्सर फाइंड करना इंटरेस्ट रेट का ताकि हम सेविंग को अट्रैक्ट कर सकें, कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट इनहांसिंग एफिशिएंसी इन बैंकिंग ऑपरेशन। पहला है पॉइंट है हमारा फोकस ऑन ऑपरेशन कॉस्ट। क्या मतलब होता है कि बैंक ज़्यादा खर्च करती है, बहुत पैसा खर्च करती है एवरीडे चीज़ों में, जैसे कि वो अपने स्टाफ के लिए पे करना या दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए पे करना, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज। मतलब क्या होता है कि बैंक चाहती है अपने एम्प्लॉय को कि वो एफिशिएंटली काम करें, ताकि कभी कभी उन्हें बोनस भी ऑफर करती है, रिवार्ड ऑफर करती है कि जितना अच्छा वो परफॉर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव। इंसेंटिव बेस्ड पैकेज होता है, एफर्ट डाला जाता है कि बैंक ट्राई करती है ये श्योर करना कि वो ज़्यादा खर्चा ना कर दे स्टाफ के सैलरी पे कंपेयर टू जितना पैसा वो कमाते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ अदर कॉस्ट। मतलब क्या होता है कि स्टाफ को पे करने के अलावा बैंक के पास दूसरे भी खर्चे होते हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज़, लीगल फी, बाइंग ऑफिस सप्लाइज एक्सेट्रा, ठीक है। तो दूसरा है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर। मतलब बैंक जैसे बिजनेस की तरह वो पैसा वेस्ट नहीं करती और नेगोशिएट करती है ताकि बेस्ट डील मिल सके जो चीज़ें उसे चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा विजिलेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव। मतलब क्या हुआ कि बैंक केयरफुली चेक करती है कि जो पैसा वो खर्च कर रही है किसी चीज़ पे वो उन्हें अच्छा वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अलग अलग ऑप्शन को एक्सप्लोर करती है ताकि कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। नेक्स्ट है रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर। मतलब बैंक सीरियस एफर्ट लगाती है कि वो पैसे को वाइजली स्पेंड करे, अननेसेसरी एक्सपेंस को, अननेसेसरी खर्चे को अवॉइड करे और ये श्योर करे कि सभी चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा ये हो गया हमारा रेस्टलाइजिंग एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है फोकस ऑन अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉस्ट एंड सिक्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल डील। मतलब बैंक अटेंशन पे करती है कि वो ज़्यादा पैसा खर्च ना करे उन चीज़ों में जो कि उसे रियली नहीं चाहिए, और वो बेस्ट डील फाइंड करती है कि जो उसे चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के 6 वेरिएबल के बारे में बताया जा रहे हैं। पहला वेरिएबल है इंटरेस्ट इनकम, मतलब जो बैंक पैसा कमाती है और कितना प्रॉफिटेबल है वो डिपेंड करता है 6 पॉइंट पे। पहला है इंटरेस्ट इनकम, दूसरा है फी बेस्ड इनकम, तीसरा है ट्रेडिंग इनकम, चौथा है इंटरेस्ट एक्सपेंस, पाँचवा है स्टाफ एक्सपेंस, छठा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये सभी दोस्तों पॉइंट हैं। तो कहने का मतलब कि बैंक वर्क करती है कि वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैनेज करे, स्टाफ को इंसेंटिवाइज करे, ऑप्टिमाइज करे बहुत सारे एक्सपेंस को, और केयरफुली एनालाइज करे कि उनका स्पेंडिंग का वैल्यू क्या है, समझे। तो ये सभी अलग अलग खर्चे होते हैं। यदि हम बात करें स्ट्रेटजिक कैपिटल असेसमेंट की, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट है कि बैंक विद सिग्निफिकेंट इंटरनल एक्टिविटी हैव डेवलप्ड इंटरनल प्रोसेस फॉर असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग देयर कैपिटल नीड। मतलब जो बैंक बहुत सारा चीज़ इंटरनली करती है, उन्होंने अपना एक तरीका निकाल लिया है फिगर आउट करने का कितना पैसा उसके पास रिजर्व में है, यानी कैपिटल में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, और इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट भी प्रोवाइड करूंगा इसी पार्टिकुलर चैनल में। इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो रही हो। धन्यवाद।